सिद्धं शुद्धं पडमिय जिडिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुडरयणभूषणुदयं जीवस्य परुवणं वोच्छम्। गोमठसार जीवकांड ग्रंथराज में छह लेश्याओं का वर्णन करने वाला है, यह लेश्या नाम का मार्गणा अधिकार चल रहा है। इसी में अनेक अंतर अधिकार आपको बताए गए थे और उन अंतर अधिकारों में जो स्पर्श नाम का अंतर अधिकार है उसका वर्णन यहाँ चल रहा था। कल पीतलेश्या के विषय में वह स्पर्शन का ज्ञान आपको दे दिया गया था, वहाँ तक प्रकरण 547 गाथा तक पूर्ण हो गया था। आगे की गाथा 548। पम्मस्य सठाण समुघात दुगेशु होदि पड़म पदम अड़चौदस भागावा देशूणा होंतिनिय मेण। अब जैसे पीतलेश्या में बताया था वैसे ही पद्मलेश्या में भी कहा जा रहा है कि पद्मलेश्या में भी सठाण समुघात दुगेशु होदि पड़म पदम, है ना। एक स्वस्थान स्वस्थान आपको बताया था और उसी के साथ में एक विहारवत स्वस्थान भी बताया था। ऐसे दो तरह के स्वस्थान होते हैं और समुद्घातों में इन दोनों में स्पर्शन निकालना है। तो स्वस्थान की अपेक्षा से तो वही लोक का असंख्यात्मा भाग स्पर्शन आ जाएगा, है ना। कोई भी देवों का किसी भी लेश्या में जब हम स्पर्शन निकालेंगे तो स्वस्थान की अपेक्षा से तो लोक का असंख्यात्मा भाग ही आएगा। अब अन्य समुद्घातों की अपेक्षा से जब देखते हैं तो वह स्पर्शन बढ़ जाता है। विहारवत स्वस्थान की अपेक्षा से देखें वेदना कषाय और व्यक्रियक इन समुद्घातों की अपेक्षा से भी देखेंगे तो वह स्पर्शन बढ़ जाएगा, है ना। क्योंकि पद्मलेश्या वाले जीव भी विहार करके वह जीव भी मतलब तीसरी पृथ्वी तक जाते हैं। तो तीसरी पृथ्वी तक जाने का मतलब कि वह नीचे दो राजू तक जाते हैं और अपने स्वर्ग से जब आएंगे तो वह भी उनके लिए छह राजू हो जाता है, है ना। यानी उनका स्पर्शन ऊपरी स्वर्गों में अगर होता है तो 16वें स्वर्ग तक भी वो चले जाते हैं विहार करते हुए किसी दूसरे की सहायता से। तो जैसे पीतलेश्या वालों के लिए था वैसे ही पद्मलेश्या वालों के लिए भी यह 8/14 भागा हुआ देशूणा इसलिए ये बना जाता है, माने 8/14 भाग कुछ कम इस तरह से यह स्पर्शन भी बन जाता है। अब एक समुद्घात है मारणांतिक समुद्घात, उसकी अपेक्षा से भी देखते हैं तो भी 8/14 भाग उसमें भी बन जाता है, है ना। कितना? 8/14, क्योंकि मारणांतिक समुद्घात वाले भी इसी तरह से 14 राजू में से 8 राजू क्षेत्र का ही स्पर्श करेंगे। और इस तरह से इनका भी यह जो क्षेत्र है स्पर्शन है वो 8/14 भाग पूरा हो जाता है। इतना अवश्य है कि जैसे पीतलेश्या वाले 9/14 भाग स्पर्श किए थे, आपको कल बताया था ना,
मारणांतिक समुद्घात की इच्छा से कितना था 9/14, क्योंकि वो एक इंद्रियों में उत्पन्न हो जाते हैं। वैसे इनके साथ नहीं होगा, इसलिए इनका 8/14 ही रहेगा, ऐसा यहाँ पर नियम बनाया गया है। तो इस तरह से विहार व स्वस्थान, वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात, वैक्रियक समुद्घात और मारणांतिक समुद्घात, इन सभी पदों की अपेक्षा से 8/14 राजु स्पर्शन इनका बन जाता है, ऐसा जानना। आगे और उपपाद की अपेक्षा से बताते हैं 549 नंबर की गाथा में। ओ वादे पड़म पदम पण चौदस भागयम च देशूणम सुक्कस्य तिठाणे पड़मोच्छ चौदशाहीणा। अब एक स्वस्थान था, एक समुद्घात था, एक तीसरा स्थान और क्या था, उपपाद। तो उपपाद पद की अपेक्षा से भी देखें तो पण चौदस भागयम च देशूणम, है ना, पण माने पाँच, 5/14 भाग, 5/14 राजू यह स्पर्शन बनता है। तो 5/14 तब बनता है जब 12वें स्वर्ग तक हम इनका उपपाद बनाते हैं, यानी कि शतार सहस्रार नाम के 11वें 12वें स्वर्ग में इनकी उत्पत्ति होती है। तो पद्मलेशिया वाले जीव उपपाद करेंगे तो अधिकतम कहाँ करेंगे, 12वें स्वर्ग तक। तो वहाँ तक जो है मध्यलोक से दूरी 5 राजू बनती है। तो इसलिए यह 5/14 राजू उपपाद पद की अपेक्षा से यह स्पर्शन बनता है और इसमें कुछ कम भी होता है। ये हो गया आपका पद्मलेशिया का वर्णन पूरा। अब सुक्कस्य, अब शुक्ललेशिया का वर्णन प्रारंभ होता है। तो शुक्ललेशिया में तिठाणे, वही 3 स्थान है, यानी एक स्वस्थान, एक समुद्घात और एक उपपाद, ये 3 स्थान जो शुरू से लेकर चल रहे हैं इन्हीं की अपेक्षा से यहाँ कथन किया गया है। तो उन 3 स्थानों में पड़मो जो प्रथम है, यानी स्वस्थान की अपेक्षा से देखेंगे तो वह लोक का असंख्यात्मा भाग ही बनेगा, जो तेजोलेशिया में होता है वही यहाँ होगा। और फिर 6/14 हीणा और अन्य समुद्घात की अपेक्षा से देखेंगे तो 6/14 भाग इनका स्पर्शन बन जाएगा। तो शुक्ललेशिया वाले जीव नीचे नरकों में नहीं पहुँचते हैं, है ना, इसलिए उनका 2 राजू वाला वो स्पर्शन नहीं बनेगा, वो केवल मध्यलोक में ही आते हैं। तो इसलिए उनका स्पर्शन एक तो नीचे और ऊपर अपने स्वर्गों में उनका रहेगा, शुक्ललेशिया के जो आनत आदि स्वर्ग हैं 16वें स्वर्ग तक ही उनका गमनागमन होता है, तो 16वें स्वर्ग तक की दूरी 6 राजू बन जाती है। तो इस तरह से इनका जो 6/14 माने 6/14 भाग कुछ कम ये इनका स्पर्शन कहलाता है। तो विहारवत स्वस्थान की अपेक्षा से भी इतना ही होगा, वेदना समुद्घात की अपेक्षा से, कषाय समुद्घात, वैक्रियक समुद्घात और मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा से भी 6/14 भाग स्पर्शन कहलाएगा, है ना, क्योंकि ये सभी जीव मारणांतिक समुद्घात करेंगे तो कहाँ करेंगे, मनुष्यों में। तो ये सभी जो है 6/14 भाग स्पर्शन करेंगे, मध्यलोक में आएंगे। तो इस तरह से ये मनुष्यों में, त्रियंशों में भी होगा तो भी 6/14 भाग बन जाएगा। ये शुक्ललेशिया वालों के लिए स्वस्थान की अपेक्षा से और अन्य जो समुद्घात हैं उनकी अपेक्षा से और विहारवत स्वस्थान की अपेक्षा से बता दिया गया। अब आगे पढ़ते हैं, नवरी समुद्घादम्य संखातीदा हवंती भागावा सब्वो वा खलु लोगो फासो होदित्य निदिट्ठो, है ना। एक बात और समझ सकते हैं कि हमने जो यहाँ पर समुद्घातों के नाम लिए हैं उनमें कुछ समुद्घात छूट जाते हैं, है ना, 7 समुद्घात होते हैं, तो हमने उनमें इसे वेदना का नाम लिया, कषाय का लिया, वैक्रियक समुद्घात ले लिया, मारणांतिक ले लिया, तो जो छूट गए जैसे आहारक समुद्घात छूट गया, तेजस समुद्घात छूट गया, तो उनकी अपेक्षा से या तो वो क्षेत्र जो होगा
वो स्पर्शन के रूप में थोड़ा रहता है, वो राजुओं में नहीं रहता है ना, क्योंकि आहारक समुद्घात होगा तो मुनि महाराज को ही होगा, वो देवों में तो होगा नहीं। तेजस समुद्घात होगा तो वो भी मुनि महाराज को होगा, वो भी देवों में नहीं होगा। तो इनका जो स्पर्शन है वो एक संख्यात घनांगुल प्रमाण ही इनका स्पर्शन आता है, इसलिए उनकी यहाँ चर्चा नहीं की गई है, उसको इस रूप में जानना। तो पीतलेश्या में पद्मलेश्या में जो ये मुनि महाराज होंगे उनकी अपेक्षा से ये संख्यात घनांगुल इन समुद्घातों की अपेक्षा से स्पर्शन बन जाएगा, ऐसा भी एक विशेष जानना। क्या केवली समुद्घात क्या पूछ रहे हो, क्या होता है केवली समुद्घात? जब होगा तो वो केवल शुक्ललेश्या में होगा। केवली समुद्घात के स्वामी कौन होंगे? शुक्ललेश्या वाले। इसलिए पीत और पद्मलेश्या में उनका कोई भी जिक्र नहीं है। अब ये शुक्ललेश्या में उनका जिक्र आ रहा है, तो शुक्ललेश्या में ही केवल जो है ये केवली समुद्घात की बात होगी, बाकी सब समुद्घात हो ही गए, ठीक है ना। तो उसी के लिए यहाँ लिखा है नवरी समुद्घादम्य, ये जो गाथा है वो उसी के लिए है, केवली समुद्घात के लिए। नवरी माने विशेषता यह है कि ये जो समुद्घादम्य माने यहाँ पर जो है समुद्घात का नाम केवली समुद्घात से ही है, यानी शुक्ललेश्या में केवली समुद्घात में संख्यातीदा हवंती भागावा, यानी असंख्यात भाग तक भी स्पर्शन हो जाता है। सब्बो वा खलु लोगो, अथवा सर्वलोक भी स्पर्शन हो जाता है ना, ऐसा फासो माने स्पर्शन होदी इति निदिट्ठो ऐसा कहा गया। तो यह स्पर्शन शुक्ललेश्या में केवली भगवान की अपेक्षा से ही घटित होता है। तो केवली समुद्घात में दंड समुद्घात होता है, कपाट होता है, प्रतर होता है और लोक पूरण होता है। तो दंड समुद्घात में लोक का असंख्यात्मा भाग ही स्पर्शन होगा, है ना। कपाट में वो उससे संख्यात गुणा और अधिक बढ़ जाएगा, लेकिन असंख्यात बहुभाग नहीं बनेगा, प्रतर में बनेगा। जो यहाँ लिखा है ना असंख्यात बहुभाग, ये जो स्पर्शन है वो कहाँ बनेगा? प्रतर में बनेगा, क्योंकि प्रतर में पूरा लोक घेर लिया जाता है वात वलय को छोड़ करके, है ना। तो वात वलय अवशिष्ट रह गए तो पूरे लोक का जो असंख्यात्मा भाग है उसके शेष बहुभाग जो है उसके द्वारा स्पर्शित कर लिए जाते हैं। इसलिए प्रतर में जो है असंख्यात बहुभाग स्पर्शन बनेगा, और लोक पूरण में फिर वो वात वलय में भी आत्म प्रदेश चले जाते हैं तो वह पूरा लोक बन जाएगा। तो तीन प्रकार के यहाँ पर स्पर्शन केवली समुद्घात की अपेक्षा से जानने होंगे। दंड और कपाट में तो मतलब लोक का असंख्यात्मा भाग है, प्रतर में जो है वो असंख्यात बहुभाग है। प्रतर में क्या कहलाएगा? असंख्यात भाग या बहुभाग, और लोक पूरण में वो सर्वलोक कहलाएगा। तो सर्वलोक स्पर्शन केवल लोक पूरण समुद्घात में होगा। तो इसलिए यहाँ पर केवली समुद्घात का वर्णन किया, क्योंकि ये शुक्ललेश्या में ही होता है। तो इस तरह से ये स्पर्शन की प्ररूपणा पीत, पद्म और शुक्ल इन तीनों लेश्याओं में भी पूर्ण हो जाती है, और यहाँ पर ये स्पर्शन नाम का अंतर अधिकार भी पूर्ण हो जाता है, है ना। कल आपसे कहा था कि ये सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर अल्प बहुत, तो ये जो आठ है ना अनियोग द्वार हैं, इनको आपको समझने के लिए या तो सर्वार सिद्धि ग्रंथ से आप पहले इनकी जानकारी लें तो अच्छा समझ में आएगा। आठवां सूत्र पढ़ें, है ना, सर्वार सिद्धि ग्रंथ का पहले अध्याय का आठवें सूत्र की जो डिटेल है वो पढ़ें, और वो भी डिटेल अगर आपको समझ में ना आए तो उसी को और अधिक विस्तृत करते हुए धवला ग्रंथों का सहारा लेते हुए एक अलग से केवल आठवें ही सूत्र पर एक पुस्तक बनाई गई है जिसका नाम है सत्संख्यादि अनियोग द्वार, है ना। एक ग्रंथ जो रचना की है वो इसी बात को ही समझाने के लिए कि क्षेत्र कैसे होते हैं, स्पर्शन कैसे निकालते हैं, काल क्या होता है, अंतर क्या होता है, पूरा चार्ट देकर के भी उसमें समझाया है, और वो पुस्तक ज्ञानपीठ से प्रकाशित है। तो उसका भी सहारा लेकर के आप बहुत कुछ समझ सकते हैं, है ना। यहाँ अभी इतना ही समझाना मतलब आवश्यक है, इससे ज़्यादा समझाना यहाँ पर अभी है ना ग्राउंड से बाहर जाना होगा।
तो वो इसलिए जो है यहाँ पर एक लिमिट है, तो आपको डिटेल अगर कभी पढ़नी हो तो आप उस ग्रंथ को पे, वो केवल सिर्फ इन्हीं बातों पर, मतलब इन्हीं अनुयोग द्वारों पर वह ग्रंथ पूरा लिखा गया है। सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल अंतर और अल्पभूत, है ना, ये आठों ही अनुयोग द्वार उस आठवें सूत्र में दिए गए हैं। ठीक है, अब जैसे क्षेत्र बताया, स्पर्शन बताया, उसी तरीके से अब यहाँ पर काल प्ररूपणा भी सामने आ रही है। अब कालो माने एक काल नाम का ये एक नया अंतर अधिकार प्रारंभ हो रहा है। कालो छल्ले साणम राणा जीवम पड़ुच सबद्धा अंतो मुहूर्तमवरम एगम जीवम पड़ुच हवे। अब ये काल जो है छल्ले साणम, छौ लेशियाओं का अब आपको काल बताया जाएगा। काल माने समय, किस लेशिया में आप कितने या जीव कितने समय तक रहता है, इसको क्या कहेंगे, काल। तो ये काल प्ररूपणा थोड़ा सरल है, समझ आ जाएगी, अंतर फिर थोड़ी सी कठिन हो जाएगी, है ना। तो जो है सो है, तो काल का मतलब है समय, सीधा सीधा समय तो हमें समझ में आ जाएगा, कृष्ण लेशिया, नील लेशिया आदि का एक जघन्य काल होता है, एक उत्कृष्ट काल होता है। तो छह लेशियाओं का, अच्छा इसमें भी एक नाना जीवों की अपेक्षा से काल अलग होता है और एक जीव की अपेक्षा से काल अलग होता है। नाना जीव की अपेक्षा से मतलब उस जीव, अनेक जीवों की अपेक्षा से, नाना जीव का मतलब बहुत से जो तीन लोक में जीव भरे हैं उनकी अपेक्षा से यदि हम काल देखेंगे तो जो है सबद्धा, सबद्धा का मतलब होता है सर्वकाल है, क्योंकि कृष्ण, नील, कापुत आदि लेशियाँ चाहे अशुभ हों और चाहे पीत पद्म आदि शुभ लेशिया वाले जीव हों, छौ लेशिया वाले जीव हमेशा पाए जाते हैं। क्या कहा, इसलिए नाना जीवों की अपेक्षा माने अनेक जीवों की अपेक्षा से अशुभ लेशिया वाले जीवों का भी काल सर्वदा है और शुभ लेशिया वाले जीवों का भी काल सर्वदा है, माने हमेशा ये जीव पाए जाते हैं अनेक जीवों की अपेक्षा से। तो नाना जीवों की अपेक्षा से तो जो काल हो गया वो हो गया सर्वदा माने हमेशा, तो इसमें तो कुछ भी आपको नया सीखना है नहीं है। एक जीव की अपेक्षा से ये अलग अलग बताया जाता है। अंतो मुहूर्तम अवरम माने जघन्य काल जो है वो अंतर मुहूर्त होता है, एगम जीवम पड़ुच हवे, एक जीव की अपेक्षा से, यानी कि कृष्ण लेशिया में, नील लेशिया में कोई भी जीव जघन्य से अगर रहेगा, कम से कम काल बिताएगा, तो उसे अंतर मुहूर्त रहना होगा, है ना। अंतर्मूर्त की नियामकता से ये समझना चाहिए कि वो जैसे एक दो समय तक नहीं रह सकता है, माने लेशिया का काल कभी एक समय एक आवली, दो आवली, छः आवली ऐसा नहीं बन सकता, है ना। जैसे सासादन गुड़ स्थान का काल बन जाता है एक समय भी कम से कम और अधिक से अधिक छः आवली, ऐसे जो है लेशियाओं का काल नहीं बन सकता। लेशियाओं में तो अंतर्मुहूर्त ही रहना होगा, जघन्य से भी और उत्कृष्ट से उनका काल अलग अलग बताया जाएगा। तो जघन्य काल कभी भी किसी भी लेशिया का होगा तो वह कितना, एक जीव की अपेक्षा से अंतर्मूर्त होगा, चाहे शुभ लेशियाओं का हो चाहे अशुभ लेशियाओं का हो। तो इस तरह से जघन्य काल तो सभी का अंतर्मूर्त कह दिया गया। अब उत्कृष्ट काल अलग अलग बताया जाता है। आगे की गाथा पढ़ें, उवहीणम तेतीशम सत्तर सत्येव होंति दोचेव अठार सतेतीसा उक्कसा होंति अधीरेया। हाँ, उवहीणम, उवधि बोलते हैं सागर को, है ना, उवधि माने उदधि शब्द होता है, उदधि माने क्या होता है, सागर। तो इतने सागर प्रमाण, तेतीस माने 33, 33, 70 माने 70 नहीं है, 17 है ना, 17, सत्येव और सात होंती दो चेव और दो सागर, 18 33
1833 उक्कस्सा होंती अद्रया, ये इनके उत्कृष्ट काल बताए जा रहे हैं। अद्रया माने कुछ अधिक भी जानना। तो 33 सागर काल ये कृष्ण का उत्कृष्ट काल हो गया, ये किसका? नहीं नहीं, क्रम से दिया होगा उसमें, है ना। ये पहले शुभलेशिया का ही काल बताया जा रहा, 33 सागर, फिर 17 सागर है? और फिर 7 सागर और फिर 2 सागर होंती। इसके आगे 2 सागर, 18 सागर, 33 सागर, ये उत्कृष्ट काल है। तो ये कृष्ण आदि लेशियाओं का भी यही काल है, उत्कृष्ट काल, है ना। ये पहले क्या लिखा है? पहले कृष्ण का काल है। हाँ, तो 33 सागर जो काल है ये कृष्ण लेशिया का काल समझना, है ना, जो कि 7वीं पृथ्वी में जीव का उत्कृष्ट काल होता है, ठीक है ना। फिर 17 सागर काल जो है ये नील लेशिया का काल जानना, है? और 7 सागर ये जो है किसका? कापोतलेशिया का काल जानना। और फिर आगे ये शुभलेशियाओं के ये काल बताए जा रहे हैं, है ना। 2 सागर, 18 सागर और 33 सागर, और इसमें कुछ अधिक भी कहा जा रहा है। तो अधिक जो लगाया जाता है वो सिर्फ 12वें स्वर्ग तक के जीवों के लिए लगाया जाता है, है ना। इसे बोलते हैं घातायुष्क। तो जो घातायुष्क जीव होते हैं उनके लिए अधिक काल भी कुछ लगता है, और इनमें भी कुछ जो अधिक है अन्य में, तो उनमें भी एक 2 अंतर्मूर्त अधिक हो जाता है, है ना। अन्य जो लेशियाएं हैं उनमें भी 2 अंतर्मूर्त अधिक इसलिए हो जाता है क्योंकि जब उनका मरण होता है तो उसी समय पर उनकी वही लेशिया होती है 1 अंतर्मूर्त के लिए पूर्व पर्याय में, है ना। और फिर जहां पर जाएंगे वहां से पुनः आते हैं तो फिर उनका लिए 1 अंतर्मूर्त तक उनकी वही लेशिया फिर बनी रहती है। तो ऐसे 2 अंतर्मूर्त अधिक भी हो जाते हैं। तो ये बात जो है इन कृष्ण आदि लेशियाओं में ये बन जाती है। और 18 सागर, 33 सागर या ये 25 सागर, ये जो आयु होती है इनमें जो है 12वें स्वर्ग तक घातायुष्क जीवों का भी जन्म होता है तो उनके लिए कुछ आयु अधिक हो जाती है। जैसे तेजोलेशिया है और पद्मलेशिया है तो उनमें ये आयु बढ़ जाएगी क्योंकि 12वें स्वर्ग तक तेजो और पद्मलेशिया वाले जीव ही होंगे। तो उनकी जो उत्कृष्ट आयु होगी तो उनमें अगर सम्यक दृष्टि जीव घातायुष्क होते हैं तो आयु आधा सागर की बढ़ जाती है ना, 1 अंतर्मूर्त कम आधा सागर बढ़ जाती है। और अगर मिथ्या दृष्टि जीव घातायुष्क होते हैं तो पल्ल का असंख्यात्मा भाग अधिक उनको आयु मिलती है। घातायुष्क का मतलब है कि जिन्होंने पहले आयु बंद कर लिया और फिर बाद में उस आयु का घात किया, तो सम्यक दृष्टि रहते हुए आयु का घात किया तो उनके लिए आधा सागर का बोनस मिलता है, और मिथ्या दृष्टि के लिए केवल पल्ल का असंख्यात्मा भाग मिलता है। इस तरह से इनकी आयु कुछ अधिक भी जान लेना चाहिए। और इन्हीं 2 गाथाओं में ये काल प्ररूपणा भी पूरी हो जाती है। बस ये 2 ही गाथाएं काल के लिए, है ना। और काल के बाद में फिर आता है, काल के बाद में आता है अंतर अधिकार। अंतर्मवरुकसम किन्नतियाणम मुहूर्त अंतम तु उवहीणम तेतीसम
अह्यम होदित्तिने तिठम। अंतर अधिकार में कहते हैं अवर, अवर माने जघन्य, और उक्कस माने उत्कृष्ट काल। किन्नतियाणम मुहूर्त अंतम तु, जो जघन्य काल है वो कृष्ण आदि तीन लेश्याओं का तो अंतर्मुहूर्त होता है। उपधीर्णम तेतीसम अय्यम होदित्य निदिट्टम, और जो उत्कृष्ट अंतर काल है वो उनका अधिक 33 सागर में कुछ अधिक काल होता है। ठीक है, ये कृष्ण आदि तीन लेश्याओं के विषय में अंतरकाल कहा गया। तो अंतर का मतलब यहाँ क्या हुआ, अंतर बोलते हैं विरह काल को, अंतरकाल कहते हैं, है ना। जैसे कृष्ण लेश्या में कोई जीव था और कृष्ण लेश्या के बाद में उसकी वो लेश्या बदल करके कोई अन्य लेश्या हो गई, अब वो अधिकतम अन्य लेश्याओं में कितने काल तक रहेगा और फिर जो है आकर के कृष्ण लेश्या में कितने काल बाद आएगा, इतना अधिकतम काल उसका निकालना यही उसका अंतरकाल कहलाएगा, है ना। माने कृष्ण लेश्या से ही प्रारंभ हुआ, फिर वो लेश्या छूटी, और छूटी तो कब तक छूटी, कितने काल तक फिर वो कृष्ण लेश्या में ना आए, तो इतना उत्कृष्ट जो अंतरकाल होगा, पुनः जब वो कृष्ण लेश्या को प्राप्त होगा तब तक के लिए वो अंतरकाल कहलाएगा, है ना। तो ऐसा ये अंतरकाल 33 सागर से कुछ अधिक ये बनाया जाता है। अगर आप समझ सको तो एक उदाहरण दे करके आपको छोटा सा तरीका यहाँ जो शास्त्रों में बताया गया वो समझाया जा सकता है। जैसे कि कृष्ण लेश्या का अपने को काल निकालना है, तो ये अंतरकाल निकालने के लिए उस मनुष्य को पकड़ो जिसकी आयु एक पूर्व कोटि की है, है ना। एक पूर्व कोटि की आयु वाला जो मनुष्य है वह 8 वर्ष होने में जब उसके लिए 6 अंतर्मुहूर्त कम हो, 8 वर्ष होने में 6 अंतर्मुहूर्त कम हो, तब वो क्या करता है कि कृष्ण लेश्या से प्रारंभ करता है, है ना। माने कृष्ण लेश्या में आया और एक एक लेश्या में जो है वो अब आगे बढ़ेगा, तो हर एक लेश्या में एक एक अंतर्मुहूर्त रहेगा। तो कृष्ण लेश्या वहाँ से शुरू होती है उसकी, 8 वर्ष में 6 अंतर्मुहूर्त पहले, समझ रहे हैं ना। अब उन 6 अंतर्मुहूर्तों में वो पहले तो कृष्ण लेश्या में आया, फिर अगले अंतर्मुहूर्त में नील लेश्या में गया, तो जैसे ही वो नील लेश्या में गया तो यहाँ से अंतर उसका प्रारंभ हो गया। कृष्ण लेश्या का अब अंतर क्या हो गया, प्रारंभ हो गया। अब ये अंतर कब जा करके अंत को प्राप्त होगा, तो उसके बीच का डिफरेंस अब यहाँ से अब आपको सुनना है। तो कृष्ण लेश्या के बाद में अब वो गया नील लेश्या में, एक अंतर्मुहूर्त वहाँ रहा, फिर नील लेश्या से गया कापोत लेश्या में, एक अंतर्मुहूर्त वहाँ रहा, फिर गया वो कापोत से पीत लेश्या में, एक अंतर्मुहूर्त वहाँ रहा, फिर पद्म लेश्या में और फिर शुक्ल लेश्या में, ऐसे एक एक अंतर्मुहूर्त में वो शुक्ल लेश्या को प्राप्त हो गया। तो उसका वह 8 वर्ष का जो काल था वो पूरा हो गया, है ना। अब 8 वर्ष के बाद में फिर उसने संयम धारण कर लिया, क्या धारण कर लिया, मतलब शुक्ल लेश्या में आ गया, 8 वर्ष के अंत को प्राप्त हो गया। 8 वर्ष में ही 6 अंतर्मुहूर्त कम किए थे, वो 6 अंतर्मुहूर्त पूरे हो गए। अब वो जो है क्या हो गया, अब शुक्ल लेश्या में प्राप्त होने के बाद में वह कुछ कम एक पूर्व कोटि काल की आयु थी उसकी, तो वो जितनी भी आयु अब बची है वो शुक्ल लेश्या में उसने गुजारी, है ना। और इस तरह की आयु के साथ ही उसका मरण हुआ, और मरण होने के बाद में शुक्लेश्या में जो मरण करेगा वो सर्वार सिद्धि में जाएगा। तो उत्कृष्ट उसका अंतर निकालना है, तो इससे ज्यादा उत्कृष्ट अंतर निकल नहीं सकता। तो सर्वार सिद्धि में 33 सागर की आयु वाला वो देव बना, और फिर वहां से वो लौटा 33 सागर की आयु पूरी करके, फिर मनुष्य बना, है ना। और जब मनुष्य बना तो मनुष्य बनने के जो उसका प्रथम समय था भव का, उसी प्रथम समय में जो है फिर उसकी लेश्याएं, है ना, शुक्ल लेश्या रहेगी पहले, फिर उसकी लेश्याएं एक एक अंतर मुहूर्त बाद कम भी कम होने लगी, शुक्ल लेश्या से पद्म, पद्म से कापोत पीत, फिर उसके बाद में कापोत, फिर नील, और फिर जो है वो कृष्ण लेश्या को प्राप्त हुआ। तो अब जब कृष्ण लेश्या को प्राप्त हुआ तो उसका अब अंतर पूरा हो गया, अंतरकाल समाप्त, है ना।
अब इन्हीं अंतर मुहूर्तों को जो हमने आगे और पीछे, एक तो पूर्व कोटि की आयु वाले मनुष्य में जो जोड़ा था वो पहले देव बनने से पहले, तो उस समय के अंतर मुहूर्त आप देखेंगे कृष्ण लेस्या के बाद, तो एक नील का, फिर एक कापोत का, फिर एक पीत का, फिर एक पद्म का और एक शुक्ल का, माने पांच अंतर मुहूर्त तो ये हुए थे। और फिर उसके बाद में जब इधर आया तो शुक्ल लेस्या के बाद में पद्म में गया तो छठवां ये हो गया, फिर पीत में गया सात हो गया, और फिर आगे की तीन फिर लेस्याओं में गया तो सात आठ नौ दस, इस तरीके से उसका कृष्ण लेस्या में आने पर दस अंतर मुहूर्त हो जाते हैं। गया तो, लेकिन जब तक वो गाएगा तब तक उसमें भी उसको अंतर मुहूर्त लगेगा ना। जब शुक्ल लेस्या के बाद में पद्म लेस्या में गया है ना, एक अंतर मुहूर्त हो गया, पद्म से फिर वो पीत लेस्या में गया ये दूसरा हो गया, पीत से फिर कापोत में गया ये तीसरा हो गया, कापोत से नील में आया चौथा हुआ, और नील से जो है वो किस में आया, कृष्ण में आ गया, तो उसका जो है यहाँ पर आकर के ये पांचवा अंतर्मूर्त ये पूरा हो गया। अगर हम उसको भी एक अंतर्मुहूर्त, मतलब कि वहाँ पर अंतर्मुहूर्त रहेगा तभी हम उसका जो है वो काल कम कर पाएंगे ना। पिछला जो पूर्व कोटि वर्ष था तो उसमें जो है आठ वर्ष कम एक पूर्व कोटि काल वो था, ठीक है ना, और उसको हमने कम किया है ना, उतना काल उसमें केवल हमने आठ वर्ष कम किए, एक पूर्व कोटि में आठ वर्ष कम किए, और इधर जो है वो कम करने के बाद जो बचा उतना अपने को अधिक करना है, मतलब एक पूर्व कोटि काल का अंतर काल में वो जुड़ गया ना, तो एक पूर्व कोटि में आठ वर्ष कम करने पर और दस अंतर मुहूर्त है ना, ये हम अधिक कर रहे हैं, उसके लिए कम नहीं कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं अधिक कर रहे हैं, तो दस अंतर मुहूर्त अधिक, आठ वर्ष कम और एक पूर्व कोटि काल अधिक, ये और तैतीस सागर में इतना काल और जोड़ देंगे तो इतना सारा का सारा उसका ये अंतर निकल के आ जाएगा, है ना। हाँ, तो ये जो है उसका अंतर काल होगा कृष्ण लेस्या का, ऐसे ही नील लेस्या का निकालोगे है ना तो आठ अंतर्मूर्त रह जाएगा, और कापुत लेस्या का निकालोगे तो उसके दस की जगह छः अंतर्मूर्त रह जाएंगे, इतना ही अंतर पड़ेगा, बाकी का तैतीस सागर का वो काल और पूर्व कोटि का काल वही रहेगा। तो इस तरह से ये उत्कृष्ट अंतर निकाल लिए जाते हैं, जैसे ये बताया अशुभ लेस्या में, ऐसे ही शुभ लेस्या का जो अंतर काल है वो आगे की गाथा में बताया जा रहा है। तेउतियाणम एवं नवरीय कस्य विरह कालो दु पोगल पर्यट्ठाहु असंख्य जाहोन्तिनिय मेण। ये तेउत्रिक यानी पीत पद्म और शुक्लेश्या का जो काल है, उत्कृष्ट विरह का काल माने अंतरकाल, वह पुद्गल परावर्तन प्रमाण है, असंख्यात असंख्यज्जा, इसे असंख्यात पुद्गल परिवर्तन कहा गया है ना, क्योंकि ये जो शुभ लेस्याएं हैं इनमें से अगर वो अंतर करेगा तो कहाँ करेगा जाके, कृष्ण आदि लेस्याओं में, अशुभ लेस्याओं में, तो अशुभ लेस्याओं में रहने का काल उसका अधिक होगा, है ना, वो तैंतीस सागर से भी अधिक होगा, यानी कि केवल अगर हम उसको नरक में ले जाते तो उससे काम नहीं चलेगा, उसमें नरक से आने के बावजूद भी वह और अधिक काल तक रह सकता है। तो ऐसे पुद्गल परावर्तन, असंख्यात पुद्गल परावर्तन, इसे एक तरह का अनंत काल कहा जाता है। तो इतने काल तक बीच का अंतर करके हम फिर बाद में पीत आदि लेस्या में उसको लाएंगे तो ये उनका अंतर काल आ जाएगा। तो इस तरह से शुभ लेस्याओं का अंतर काल तो अनंत हो जाएगा, लेकिन अशुभ लेस्याओं का अंतर काल अधिकतम तैंतीस सागर होगा, ये इन दोनों का अंतर हम समझ सकते हैं, ठीक है ना। अब बस इतना ही था कठिन सा, आगे तो सब कुछ है ही नहीं है, सरल सा है। भावादो छल्ले सा ओदय्या होन्ति अप बहुगम तु दब प्रमाणे सिद्धम इदि लेशा वंडिदा होन्ति।
हाँ, अब अंतरकाल भी पूर्ण हो गया, सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर सब हो गए, अब भाव का नंबर आता है। तो भाव की अपेक्षा से छह लिश्याओं में औदय्या माने औदयिक भाव होता है, क्योंकि ये कषायों के उदय से होती हैं लिश्याएं, तो इसलिए इन सब में कौन सा भाव होगा? औदयिक भाव, ठीक है ना। तो औदयिक भाव ही इन सब का जानना, और वह औदयिक भाव में भी अगर अंतर लगाओ तो इस तरीके से समझ सकते हो कि एक तो अत्यंत मंद कषाय है ना, मंदतम, फिर मंदतर, फिर मंद जो शुक्ल लेशिया है ना, पद्मलेशिया और पीतलेशिया, और फिर वहाँ से कषाय बढ़ती हुई तीव्र, तीव्रतर और तीव्रतम, इस तरह से वह कापोत, नील और कृष्ण लेशिया तक बढ़कर के छह लेशियाओं के औदयिक भाव अलग अलग हो सकते हैं। अल्प बहुत की अपेक्षा से दब्ब प्रमाणे सिद्धम, यानी द्रव्यों द्रव्य प्रमाण में ये सब कहा गया है उसकी अपेक्षा से जान लेना, यदि लेशा वंडना होती, इस तरह से लेशाओं का वर्णन यहाँ पूर्ण हो जाता है ना। फिर भी आप एक अंदाज से समझना चाहें तो शुक्ल लेशिया वाले जो जीव होते हैं वो सबसे कम होंगे है ना, और सबसे कम होते हुए भी वो असंख्यात होंगे, एक मोटा मोटा आइडिया अपने दिमाग में रखने के लिए। उनसे अधिक जीव होंगे पद्म लेशिया वाले, और वह शुक्ल लेशिया वाले जीवों से भी असंख्यात गुणे होंगे। इसे अल्प बहुत्व कहते हैं, माने कौन किससे कम और कौन किससे ज़्यादा। तो इस अल्प बहुत्व को हम थोड़ा सा इस तरह से समझ सकते हैं, शुक्ल लेशिया वाले जीवों से पद्म लेशिया वाले जीव असंख्यात गुणे अधिक होंगे, और पद्म लेशिया वाले जीवों से पीत लेशिया वाले जीव भी असंख्यात गुणे अधिक होंगे। लेकिन ये सभी कितने होंगे? असंख्यात ही होंगे, ऐसा पहले बताया था द्रव्य प्रमाण में। फिर पीत लेशिया के बाद में जब कापोत लेशिया में आएंगे तो ये जीव अनंतानंत गुणे हो जाते हैं, क्योंकि अशुभ लेशिया में अनंत जीव होते हैं, तो अब ये अनंतानंत गुणे हो गए। फिर कापोत लेशिया से जब हम नील लेशिया में आएंगे तो उसी में कुछ अधिक कहा जाएगा, कापोत लेशिया से नील लेशिया वाले जीव कुछ अधिक होंगे, और नील लेशिया से कृष्ण लेशिया वाले जीव भी कुछ अधिक होंगे। इस तरह से हम इनका एक अल्पभूत सामान्य रूप में समझ सकते हैं। और इसी के होने पर चूंकि अल्प बहुत हो गया तो ये सभी अनियोग द्वार हो गए, इस तरह से लेशिया का वर्णन ये पूर्ण हो गया। अब लेशिया के वर्णन के बाद में जो अलेश्य जीव हैं उनका भी यहाँ पर, लेशियाओं से जो रहित हैं उनका भी यहाँ पर वर्णन एक गाथा में अंत में किया जाता है। किन्नादि लेश्य रहिया संसार विणिग गया अनंत सुहा, सिद्धिपुरम संपत्ता अलेशिया ते मुणे अब्बा। हाँ, जो लेश्याओं से रहित हैं, कृष्ण आदि लेश्याओं से रहित हैं, संसार से विनिर्गत हो गए, माने संसार से निकल गए हैं, अनंत सुहा अनंत सुख वाले वो जीव कहलाते हैं। सिद्धिपुरम संपत्ता, वह सिद्धिपुर को प्राप्त हो गए हैं। कौन सा पुर? सिद्धिपुर है ना, सिद्धि धाम, सिद्धि नगर, सिद्धिपुर, जो कुछ समझ सको, वह दूसरा स्थान है, उसे सिद्धिपुर कहा जाता है। वे अलेशिया ते मुड़े अब्बा, वो लेशियाओं से रहित जीव हैं, जो अनंत जीव सिद्ध जीव कहलाते हैं, वो सभी क्या हैं? लेशियाओं से रहित हैं। तो जो लेशियाओं से रहित हो गए वो संसार से निकल गए, और उन्हीं को हम कहेंगे सिद्ध जीव, और वही जीव जो है सभी प्रकार के अनंत सुखों की प्राप्त करने वाले वो जीव होते हैं। इस तरह से लेश्य अधिकार पूर्ण यहाँ पर हो जाता है। इसमें सिद्ध भगवान से पूर्व 14वां गुण स्थान है, वहाँ पे भी तो लेश्य रहित है वो जीव। क्या फर्क पड़ता है, अगर वो लेश्याओं से रहित भी हैं तो जा कहाँ रहे हैं, बीच में तो लटके नहीं है। उनकी संख्या सिद्धों में ही शामिल होने वाली है ना, तो सब सिद्धों में ही कहे जाएंगे।